क्राइम कंट्रोल और कानून का पालन कराने के लिए एसएसपी ने जनपद के सभी ज्यादातर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों का कार्य क्षेत्रों में फेर बदल कर मेहनत करने वाले इंस्पेक्टर और दरोगाओं को थाने और चौकियों पर तैनात कर जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन कुछ थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी एसएसपी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को ठीक से संभालते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एसएसपी सलम माथुर अपराध पर अंकुश लगाने के साथ साथ जनपद में बरसों से बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सड़क पर गश्त करते जनता को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गोवर्धन में उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारी ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गोवर्धन में ट्रैफिक व्यवस्था बद से बदतर नजर आ रही है। सड़क पर चार पहिया वाहन आड़े तिरछे खड़े रहने से जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं दूर दराज से आए श्रद्धालु भक्त जाम के झाम में फंसकर कराहते नजर आते हैं। गोवर्धन के मुकुट मुखारविंद मंदिर से लेकर बस स्टैंड तक एकता तिराहा और गौड़िया मठ तक ई रिक्शा वालों की और प्राइवेट वाहनों की भारी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। एनजीटी के सख्त आदेशों के बावजूद भी कुछ पुलिस वाले बाहरी वाहनों से सुविधा शुल्क लेकर उन्हें अंदर घुसा देते हैं। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में ई रिक्शा और लाखों की संख्या में श्रद्धालु उस पर ऊपर से प्राइवेट चौपहिया वाहन जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो जाम का नजारा कैसा होगा। शनिवार को गोवर्धन में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। शनिवार को राधाकुंड छटीग्रा मार्ग स्थित मुखराई कट के समीप करीब आधा किलोमीटर लंबा जाम लग गया, लेकिन राधाकुंड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाना उचित नहीं समझा। करीब दो घंटे तक श्रद्धालु भक्त जाम में फंसे रहे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।